दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम रिव्यू करेंगे iOS 13 जैसी दिखने वाली एक MIUI 11 थीम का। देखेंगे कि क्या कुछ कमाल के फीचर आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही क्या कुछ कमियां आपको इस थीम में देखने को मिल जाती हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे तो कुछ हिडन सेटिंग आपको देखने को मिलेगी, जहाँ से आप वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं। साथ ही लाइव एनिमेशंस भी आप यहां से डाल सकते हैं। नीचे की आइकॉन के पीछे जो बार है उसे भी आप यहां से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि इस थीम के जो होम स्क्रीन है उसको यहां से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए एक और कमाल चीज़ की, वो है इसका नोटिफिकेशन पैनल। मुझे काफ़ी हद तक इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो काफ़ी पसंद आया है। इसके अलावा ये जो थीम है ये डार्क मोड भी यहाँ पर सपोर्ट करती है। वॉल्यूम बार में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कॉलिंग में भी आपको ज़रूर से चेंज देखने को मिलेंगे। आपको बिल्कुल यहाँ पर जो कॉलिंग है डायलर है वो चेंज हो गया है, साथ ही आपका जो जब भी आप कॉल करोगे तो इंटरफेस है वो भी आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस थीम में और क्या कुछ खास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैसेजिंग ऐप में आपको ज़रूर से चेंज देखने को मिलेगा। आइकॉन लगभग लगभग यहाँ पर सभी चेंज हो गए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जो अंदर का जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक चेंज हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ से ऐड के जो बटन्स हैं वो भी आपको चेंज देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चेंजेस आपको इस थीम में देखने को मिलते हैं। लॉक स्क्रीन की बात की जाए तो लॉक स्क्रीन में भी काफ़ी कमाल का नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलेगा। स्लाइड करोगे तो आपको एप वॉलेट देखने को मिल जाएगा। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस थीम के जो लॉक स्क्रीन है उसे यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक और अच्छी चीज़ मुझे लगी है। यहाँ आप अपने अनुसार चार्जिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, स्मार्टफोन चेंज कर सकते हैं। तो कुछ आपको यहाँ पर काफ़ी कमाल का मतलब कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं लॉक स्क्रीन को। ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी इस थीम में आपको देखने को मिल जाएगी। एक और चीज़, बूट एनिमेशन। यदि आपका फ़ोन सपोर्ट करता है बूट एनिमेशन को तो यहाँ पर आपको काफ़ी कमाल का बूट एनिमेशन इस थीम में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं गाइज इस थीम की कुछ कमियाँ हैं। जैसे कि बात की जाए नोटिफिकेशन पैनल में एक कमी आपको नज़र आएगी, ब्राइटनेस लेवल आप यहाँ से सेट नहीं कर सकते। पहली कमी ये है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दूसरी कमी है इसके जो नेम है, आइकॉन के नेम वो चेंज हो गए हैं, जो काफ़ी गलत मुझे इस थीम में लगा है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो एक्टिविटी ऐप है आप इस पे टैप करोगे तो आपको अंदर की ओर हेल्थ ऐप देखने को मिल रहा है, यानी कि एक्टिविटी आपने इस जो नेम है इस ऐप का वो एक्टिविटी है, लेकिन अंदर आपको हेल्थ ऐप देखने को मिलता है। और नीचे की ओर जो हेल्थ ऐप है उसके अंदर आपको सिक्योरिटी ऑप्शन सिक्योरिटी ऐप देखने को मिलता है। तो ये एक काफ़ी ख़राब चीज़ मुझे इस थीम में लगी है। बात कर लेते हैं इस थीम की, क्या नाम है इस थीम का। अगर आपको थीम पसंद आई है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। iOS 13X Pro इस थीम का नाम है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। बूट एनिमेशन काफ़ी कमाल का आपको इस थीम में मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा रिव्यू। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।